रुड़की में नगर निगम बन जाने के बाद भी शहर की कुछ बस्तियां आज भी ऐसी हैं जिनमें गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। आलम यह है कि नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस्लाम नगर में गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, लेकिन निगम द्वारा आज तक किसी भी सफाई कर्मचारी ने इस इलाके में आने की जहमत नहीं उठाई। इस्लाम नगर के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम अधिकारियों ने जल्दी इलाके की सफाई नहीं कराई तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सफाई तो नहीं होती, बिल्कुल भी गंदी पड़ा रहे, बच्चे भी बीमार हो रहे, बूढ़े भी और बहुत ज्यादा। ऐसी तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, गंदगी ज्यादा है यहाँ पे। सफाई करने कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे, देखते भी नहीं। अगर कहते भी, शिकायत भी करो तो वो भी नीचे ऊपर नहीं पहुंचाई जाती। समस्या है, एक तो यहाँ से सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें क्या मच्छर भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और आदमी यहाँ के बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं। और पहले तो ये महल्ला जो है कहीं में नहीं था, अभी तो 20 साल हो गए महल्ले को इसी तरह झेलते हुए, कोई सफाई का मामला नहीं है। अब ये देखो नगर निगम में भी आ गया तो अभी चाह रहे भाई सफाई भी, और यहाँ से बिजली का जो है, बिजली के खंभे पे बिजली के लाइटों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि महल्ला जो है तो बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, लाइट कहीं भी नहीं है। और कई महीने से हम चक्कर भी काट रहे हैं नगर निगम के, अभी तक यहाँ कोई सफाई का मामला नहीं बना। यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, ये सफाई का काफी दिन से ब्लॉक हो रही है, जितनी भी सड़कें हैं ये रास्ते में जो है मट्टी कबाड़ भी पड़ा हुआ है, बाहर से जो है गंदगी बहुत फैल रही है, इसमें बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, आदमी बहुत बड़े परेशान है, दिक्कतें पैदा हो रही है, आदमी बीमार हो रहे हैं। किससे की बीमारी? ये बुखार वगैरह का, बुखार का इसी चल रहा है, और मलेरिया का भी मच्छर है, मच्छर रात दिन का हालत खराब कर रखे, बैठा पड़ा नहीं जाता कहीं, सफाई, 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 सफाई का कोई किस कारण नहीं हो पा रही। सफाई को गए थे हम दो चार दफे, गए भी एक दो दफे उनके पास पता करा, कहने लगे जी हाँ हो जाएगा, बाकी अभी तक के कोई वो नहीं हुआ। इस्लाम नगर रुड़की नगर निगम में नया क्षेत्र के तहत शामिल हुआ है, और चूँकि हमारे पास जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत मैन पावर बहुत कम है, और क्योंकि नया क्षेत्र जुड़ा है तो हमारे लिए मैन पावर की बहुत शॉर्टेज चल रही है। इसको लेके हमने मोहल्ला समितियों के माध्यम से नाम लिए हुए हैं, और जब इन समितियों का गठन हो जाएगा हम नए क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था शुरू कर देंगे। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।